बॉलीवुड के बच्चों में जो आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 का दूसरा चैप्टर का तीसरा लेसन स्टडी। हमारा टॉपिक चल रहा था अपने इसमें हमने क्लास 1857 की जंग आज़ादी के बारे में स्टडी की। आपने ये बात पता लगा ली थी कि जो अंग्रेज हैं यानी ब्रिटिश हैं वो जो जंग आज़ादी है उसके बाद मुसलमानों को ये बात वादा करना चाहते हैं कि वो हुकूमत करने के लिए हर तरीका हर मुद्दे को अपनाने के लिए तैयार है। यानी मुसलमान जो मुगलिया सल्तनत करते हुए आ रहे हैं, मुगलिया सल्तनत जो उनकी चलती हुई आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए वो जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन? मुगलिया सल्तनत को जो है वो मुसलमान जो है वो दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को ये बताना चाहते हैं कि हम जो है वो इधर हुकूमत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से मुसलमान दोबारा से अपनी हुकूमत इसके ऊपर नहीं जमा पा रहे। ठीक है, तो हमने तमाम चीज़ें लास्ट में स्टडी कर ली। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बल्कि वक्टोरिया का ऐलान। मतलब किया गया था ऐलान, ये ऐलान किया गया था 1858 में। मतलब किया गया था 1858 में जंगी आज़ादी के एक साल के बाद जो मलका विक्टोरिया है। मलका विक्टोरिया दरअसल ब्रिटिश की ही जो अंग्रेज़ है, ब्रिटिश सही है, बरतानवी राज की जो है वो एक मलका है, सही है, मलका विक्टोरिया। उन्होंने एक ऐलान किया था 1857 की जंगी आज़ादी के बाद। ठीक है, 1857 की जंगी आज़ादी हुई तो उसके एक साल के बाद उन्होंने ऐलान किया। वो ऐलान क्या था, उन्होंने इस ऐलान में क्या बताया जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान, हिंदुस्तान के दिलों में जो आज़ादी की बेचैनी थी वो थोड़ी कम होगा, उनको जो है वो ये पता चला कि ये हमारा एहसास करें। तो उन्होंने कुछ ऐलान किया था। ऐलान किया था, क्या किया था? सबसे पहले उनका ऐलान था ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कर दी गई। आप तमाम बच्चों को याद है जो अंग्रेज हैं उन लोगों ने एक कंपनी कायम की थी जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोगों ने किस लिए कायम की थी कि ये हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो अपना इंग्लिस्तान में कायम की गई थी। इंग्लिस्तान के बाद जो है वो इन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में भी जो है कायम कर सकते। इसका मकसद ये था कि मासिक हासिल होने वाला जो आपका कपास वगैरह है उसको अच्छी भारत में वहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सके, उसको भारत में एक्सपोर्ट किया जा सके, इसलिए इसको जो है वो कार्य किया गया। लेकिन मलका विक्टोरिया ने इस कंपनी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, इसका इख्तिताम हो गया। इसके बाद जो उन्होंने दूसरा ऐलान किया वो था मामदार बटवान के बैंक ने सुपुर्द कर दिए। मामदार बरतानवी हुकूमत इससे पहले जितने भी मामला हैंडल किए जा रहे थे वो तमाम के तमाम नए मामला हैंडल कर रहे थे जो कि आपके ईस्ट इंडिया के लोग, ईस्ट इंडिया के लोग नहीं, जो आपके मौजूद थे उन्होंने जो उनके साथ लड़ाई लड़ती नहीं है। मलका विक्टोरिया ने ऐलान कर दिया कि तमाम मामला आपके पास अब नहीं रहेंगे बल्कि तमाम मामला आपसे छीन लिए है और उनसे छीन लिए के बाद ऐलान में आपके सुपुर्द कर दी गई यानी उनको दे दिए गए जिसको ताजे बरतानिया का भी कहा जाता है। बरतानवी हुकूमत को क्या कहा जाता है, ताजे बरतानिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने ये किया कि कायम बंदोबस्त और जानबदारियों का हाथ क्या हुआ, जानकारी और
एक और काम किया कि मुझे ये काम किया कि जितनी बदतमीजियाँ पेड़ होती हैं जितना भी पेशाब मिला हुआ था बहुत ही ज़्यादा अपने तबलीगी कहकर पेरी गुजरी तशद हो रहा था। इस तमाम के तमाम तशद को अपर तबलीग को इस तमाम के तमाम बदमजियों को जो बुरे बुरे अखलाक हो रहे थे अच्छे रवैये के साथ पेश नहीं आ रहा था आ जा रहा था लोग परेशान थे इन तमाम के तमाम बदनजियों को खत्म कर दिया और जितनी बदनजियाँ पहली मुझे इन सबका क्या कर दिया खात्मा कर दिया। इसमें बलका विक्टोरिया जब बलका विक्टोरिया ने ये काम किया तो हिंदुस्तानों के हिंदुस्तान के जो लोग थे बेचैनी थी उनके दिलों में क्या मजाक मचा उनकी थोड़ी सी बेचैनी क्या हो गई काम हो गई कि उनके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुलूक किया जा रहा था और कौन कर रहा था मलका है विक्टोरिया गवर्नर वो कहाँ की थी बरतानवी राजकीय मलका थी उन्होंने तमाम का तमाम निजाम जो है अपने हाथ में ले लिया किसी ने मलका है विक्टोरिया ठीक है। और इन्होंने एक और ऐलान खबर दिया और जगह में प्रबोल ऐलान किया उन्होंने एक और ऐलान कर दिया हमारे बच्चों के हिंदुस्तान सिपाहियों की तरफ आओ हिंदुस्तान सिपाहियों और मुलाहत में इजाफा हुआ मुलाहत में इजाफा हुआ पहले जो सारे काम किए जा रहे थे इससे मुस्लिम थे मुसलमान थे उनके दिलों में थोड़ी बेचैनी कम हो गई उनके दिलों में थोड़ी नफरत जो है वो कम हो गई उन्होंने एक और काम किया कि एक और इलाज किया गया हिंदुस्तान सिपाहियों की तनख्वाह मुराद में इजाफा किया तनख्वाह जो कि उनकी ज़्यादा कर दी गई और इसके अलावा तनख्वाह के साथ साथ उनको इजाफी पैसे भी दिए जाए मिसाल के तौर पर आप कोई कंपनी वगैरह में काम करें तो कंपनी वगैरह में काम करते हुए आपको तनख्वाह तो दी जाती है आप अगर ज़्यादा काम करते हो अच्छा काम करते हो तो आपको उस पर जो है वो आपका बोनस भी दिया जाता है आपकी शाबाशी के तौर पर आपको जो है वो ज़्यादा थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा भी दिए जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो क्या करते हैं मुहार के यानी हिंदुस्तान सिपाही की भी ज़्यादा दी है उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा कर दी और उसके साथ साथ उनको शबाशी के तौर पर उनके दिल में थोड़ी शनाखत उनके दिल में बच्चे नहीं कम रहने दिए तनख्वाह के साथ साथ उनको बाहर यानी थोड़े इजाफी एक्स्ट्रा पैसे भी देना शुरू कर दिए जिसकी वजह से उनकी जिंदगी ज़्यादा होना शुरू हुई बेचैनी कम होना शुरू हो गई। तो प्यारे बच्चों के तमाम में तमाम किए थे मलका विक्टोरिया ने किए थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों मलका विक्टोरिया ने काम और मलका विक्टोरिया ने किया था मलका विक्टोरिया ने हिंदुस्तान के जो लोग थे उनके बारे में जो हिंदुस्तान के लोग थे उनके हुकूक के बारे में कुछ कहा था कि उनके हुकूक के बारे में कुछ कहा था वो क्या कहा था देख रहे हैं हिंदुस्तान के हुकूक के बारे में हिंदुस्तान के हुकूक के बारे में हुकूक समझते हैं ना मिसाल के तौर पर जिस चीज़ का आपका मिसाल के तौर पर एक मजदूर है अब वो मजदूरी कर रहा है मजदूरी करने की उसको पूरे पैसे दिए जाए मिसाल के तौर पर 500 रुपये उसकी मजदूरी है तो उसको 500 रुपये पूरे दिए जाए वो उसका क्या है हक है अगर आप 400 रुपये दो तो आप उसका हक पूरा नहीं कर रहे। तो हिंदुस्तान के हकूक के बारे में जो है वो उनके हक के बारे में जो मलका विक्टोरिया ने क्या कहा था वो जरा देख लीजिए मलका विक्टोरिया ने कहा था प्यारे बच्चों हिंदुस्तानी मजहब में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी हिंदुस्तानी मजहब में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी यानी कि जो हिंदुस्तान के लोग जिस तरह का उनका मजहब है
जिस तरह से इबादत करते हैं, उनको खुली आज़ादी है कि वो उसका अपने मतलब की जो है वो इबादत कर सकते हैं। सही मुसलमान है तो मुसलमान के तरीके से जो है वो मस्जिद में जाके बात करें, हिंदू है तो मंदिर में जाके बात करें, किसी किस्म की हम उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। ये मतलब तौर पर आप हिंदुस्तानियों के लोगों के बारे में कहा था कि हम आपके मजहब के खिलाफ या आपके मजहब के बारे में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। सही है, ये पहली बात। और दूसरी बात, रस्म व रिवाज और फूल तरीकों की हिफाजत की जाएगी। रस्म व रिवाज और रस्म व रिवाज और फूल तरीकों की हिफाजत की जाएगी। इसके अलावा और क्या कहा जाए बच्चों के रस्म व रिवाज और दो तरीकों की हिफाजत की जाएगी, यानी वहाँ पर हिंदुस्तानियों का जो रहन सहन का तरीका है, उनका जो रस्म व रिवाज का तरीका है, शादी ब्याह का तरीका है, ये सही, इसमें किसी किस्म की मुदाखलत हम नहीं करेंगे। सही, और उनकी हिफाजत करेंगे, जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से दुनिया गुजारते हैं, इसको हम इसकी हम हिफाजत करेंगे और इसमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, इसको रोकेंगे नहीं। उनकी पूरी आज़ादी है कि वो पूरी तरह के साथ अपनी रस्म रिवाज और तरीकों को पूरा कर सकते हैं। हम बल्कि उसकी क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे तमाम वाले मामले मंत्रिया गया है हिंदुस्तान के हकूक के बारे में। इसके बाद और जो उन्होंने बात करी थी सबसे अहम बात, जो कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा की थी, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के तमाम की तमाम जायदाद छीन ली थी ना, अंग्रेज़ों ने मुसलमान से जो अमीर लोग थे उनसे उनकी जायदाद छीन ली, तो आपको अगर नवाब मिलना शुरू कर दिया तो उनसे नौकरी अच्छी थी। सही है, उनको जिंदा जो जिंदा कर सकते मजबूर कर दिया था, तो इससे रिलेटेड क्या है, हमारी जायदाद और हमारी जायदाद यानी जायदाद हमारी जायदाद और अंदर से मैंने सीखे अंदर से मैंने सीखा जायदाद क्या बात है, किसी की जायदाद है, उनकी जो जायदाद है यानी जो उनके साथी जायदाद है उससे उनको महरूम नहीं किया जा रहा, उनसे छीनी नहीं जाएगी, बल्कि वो उनकी ही जायदाद है, वो उनके पास से बिल्कुल रहेगी। किस तरह से पहले मुसलमान छीनी होगी उस तरह से छीनी नहीं की जाएगी, बल्कि उनकी हिफाजत की जाएगी, हिफाजत के साथ साथ उनकी जायदाद का जो है वो ख्याल रखा जाएगा और उसको उनकी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा, और जो कारोबार करते हैं उस नाम को वो करने दिया जाएगा, हम उसका जो कार्य वेरी गुड। ये तमाम तमाम काम जो उन्होंने किए थे महिला विक्टोरिया ने, इन तमाम के तमाम एहतम हिंदुस्तान के हकूक के बारे में जो उन्होंने बातें कही थी, इन तमाम के तमाम हकूक के बारे में और अनाज की वजह से हिंदुस्तानियों के दिलों में थोड़ी सी जो है वो नफरत कम हुई और थोड़ी सी बेचैनी कम हो गई थी, तो उनके दिल में ये बात पैदा हो गई थी कि भाई हमारे खुद के बारे में भी सोच रहे हैं। तमाम बच्चों को मजा आने को भी तैयार नहीं है, वेरी गुड। सो तमाम बच्चों को भी से माफ़ी कर लीजिए, ठीक माफ़ी कर लिया। उसने आपको बरतानवी राज के बारे में बताया गया कि बरतानवी राज किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से लोगों ने इसके ऊपर हुकूमत की। तो प्यारे बच्चों, बरतानवी राज की तीन निशानियाँ, कितनी निशानियाँ हैं, तीन निशानियाँ। ये तीन निशानियाँ जहाँ पाई जाएगी उधर बरतानवी राज मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, पहली निशानी है आपके पास, जो आपके पास पहली निशानी है वो क्या है,
पहली निशानी जो है आपके पास वो है अंग्रेजी जबान। अंग्रेजी जबान जहाँ पे उर्दू समझ जाएगी वह कौन सी पर चल रही है, बरतानवी राज। बरतानवी राज ज़्यादा कहीं ना कहीं इन बातों के लिए बोला कि पहली बात अंग्रेजी जबान, दूसरी बात दूसरी निशानी हुकूमत का पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हुकूमत का पार्लियामेंट जमहूरी निजाम सही। और इसके बाद तीसरी बात, तीसरी निशान जो है वो क्या है, तीसरी निशानी है आपके लिए ईसाई मजहब। ईसाई मजहब आपका वहाँ बच्चों को याद नहीं, आपको शुरू बताया था जब आप बताओ सकता हूँ कि जिंदगी दारू के बारे में पढ़ रहे हो, मैंने आपको पर्सनल में आपको बताया था कि ये जो लोग हैं इन्होंने ईसाई मतलब को जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचार कर रहे थे, जब वो लोग इनके साथ जो मिले हुए थे और इसको फैला रहे थे। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें मौजूद होती है, समझ जाएगी कि वहाँ पर कौन सा राय चल रहा है। इसका बरतानवी राज चल रहा है, पहले अंग्रेजी जबान, दूसरा हुकूमत का पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम यानी हुकूमत का पूरा एक जो है वो मुल्क का सियासी निज़ाम जिसके तहत पूरी हुकूमत को चलाया जा रहा है। इसके अलावा तीसरा ईसाई मतलब, और ईसाई मतलब जो है वो वहाँ पे मौजूद होगा, तीन शादी अगर मौजूद होगी तो कौन सा राज्य का बरतानवी राज होगा। सही महीनों में आपका जो बरतानवी राज है वो 1858 के बाद स्टार्ट, जब मलका विक्टोरिया जो है वो मलका विक्टोरिया का बरतानवी राज की हुकूमत शुरू हुई, तो उसके बाद बाकायदा आवास इसका शुरू हो गया। ठीक है, जब मलका विक्टोरिया ने इसका खात्मा किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके बाद जब अपनी हुकूमत लाई थी तो उसके बाद से इसका आवास हो गया। तो हम बरतानवी राज के आवास के बारे में ले रहे, आवास कब हुआ, आवास हुआ इसका मलका विक्टोरिया यानी मलका विक्टोरिया की। उसके बाद जब मलका विक्टोरिया मलेशिया का जो है वो खात्मा किया, उसके बाद जो है वो बरतानवी राज का क्या हुआ था, आवाज होना शुरू हो चुका है। सही, जो बरतानवी राज था इसको बाज़ाब्ता नाम दिया गया था, जो बाद आपका बरतानवी राज का नाम था बाज़ाब्ता नाम, बाज़ाब्ता नाम जो बरतानवी राज को बाद आपका नाम दिया गया था वो दिया गया था सल्तनत हिंदुस्तान, क्या दिया गया था सल्तनत हिंदुस्तान, जो बाद आपका नाम लिया तो क्या किया गया था सल्तनत हिंदुस्तान। ये तीन मुल्कों के ऊपर मुश्तमिल है, जैसे मेरे मुल्कों पर मुश्तमिल था तीन मुस्तकिल इलाकों पर मुश्तमिल था, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन इलाकों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल था। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे ममालिक भी इसके अंदर शुमार किए जाते थे जो कि इसके अंदर जिसकी हुकूमत इनकी नहीं थी। सही है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों 1856 में एक माहिदा हुआ था जिसमें बरतानवी राज की ब्रिटिश राज के इसके ऊपर हुकूमत थी, लेकिन 1856 में एक मुहिदा हुआ था, 1856 का मुहिदा, उस मुहिदे में क्या कहा गया था, श्रीलंका नेपाल भूटान श्रीलंका नेपाल भूटान अगर
बरतानवी राज्य
आपको बताना है कि भगवान की राज की कितनी निशानी है, भगवान की राज की कितनी निशानी है, भगवान की राज की कितनी निशानियाँ हैं, नाम क्या करो, भगवान की राज की कितनी निशानी तीन होंगे आपको क्या कहने नाम होंगे, पहला अंग्रेजी दबान, दूसरा सारे साइड सब और तीसरा पुलिस साइड जमुई, ठीक है, तो आप जो निशानी इसके अंदर बरसात